बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन को एक बार फिर कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। क्या बोला तूने? अपोजिशन को एक बार फिर कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। एक पहले क्या बोला? वज़ीर आज़म इमरान खान ने चल। और कहा है कि मैं आपका जीना हराम कर दूंगा। अब आसफ अली जरदारी मेरा पहला निशाना होगा। तू जनया थोड़ जा, दो कदम और बधा। इन्होंने बिलावल की उर्दू पर भी तनकीद की। तफसीलात के मुताबिक कराची गवर्नर हाउस में पीटीआई के कारकों से खिताब करते हुए इन्होंने कहा, चलो कि आसफ जरदारी खुदा का वास्ता है, बिलावल को उर्दू तो सिखा दो। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। 15 साल हो गए हैं, इसे अभी तक ये नहीं पता कि बारिश आता है या पानी आती है। यही तो जुर्म है ना मेरा। मैंने 2 साल में अंग्रेजों को उर्दू सीखते देखा है। वाजह रहे कि अवामी मार्च से खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो की जबान लड़खड़ा गई थी। जब ये सब सुनाता हूँ ना तो कलेजे फटते हैं लोगों के। और इन्होंने टांगे कांप रही हैं को कांबे टांग रही हैं कह दिया। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। दोस्तों ये थी आज की छोटी सी वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। चलो भाई।